नाइन्थ में था, पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई थी और बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, बड़ी पीड़ा हुई थी। एट्थ में थे, बेगूसराय में थे, बरौनी रिफाइनरी में थे, जो बिहारी को एक अलग दृष्टि से देखते थे। एक भाव को मैंने जगाने का प्रयास किया कि बिहारी जिसको तुम क्या समझते हो, जान लो कि बौद्धिक परंपरा का वाहक है और जब ठान लेता है तो टॉप भी करता है, ठान लेता है तो कुछ बड़ा भी कर सकता है। नाइन्थ में था, पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई थी और बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, बड़ी पीड़ा हुई थी। एट्थ में थे, बेगूसराय में थे, बरौनी रिफाइनरी में थे, नाइन्थ में गए तो केंद्रीय विद्यालय भोपाल और बच्चों ने चढ़ाना शुरू किया बिहारी बोल के, और तब लगा। कुछ दिनों बाद वहीं सांची गए घूमने तो विदिशा में पता चला सम्राट अशोक कभी यहीं गवर्नर बना के भेजे गए थे, मगध से यहां तक शासन होता था, टीवी पर सीरियल देखते चाणक्य। और तब लगता कि भाई उस बिहारी शब्द को जिसको सम्मान का प्रतीक होना चाहिए उसका अपमान का सूचक किसने बना दिया, क्या कारण है कि बिहारी अपमान का सूचक हो गया, जिसमें ऐसी क्षमता थी जिसके कारण इस प्रकार के भाव पूरे राष्ट्र में जगते थे। तब उस बाल अवस्था में, उस मन में मैंने भी एक संकल्प लिया कि अपने जीवन काल में यदि कुछ कर सकता हूं, मेरी कुछ भूमिका हो सकती है जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक हो जाए, तो अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। और कहीं ना कहीं उस अभियान जिसका नाम आज लेट्स इंस्पायर बिहार है, उसका प्रारंभ वहीं से होता है। नाइन्थ में थे उस समय क्या कर सकते थे, अच्छे से पढ़े, क्लास में मैंने टॉप करने का प्रयास किया, क्लास के टॉपर हुए। उन बच्चों के मन में जो बिहारी को एक अलग दृष्टि से देखते थे, एक भाव को मैंने जगाने का प्रयास किया कि बिहारी जिसको तुम क्या समझते हो, जान लो कि बौद्धिक परंपरा का वाहक है और जब ठान लेता है तो टॉप भी करता है, ठान लेता है तो कुछ बड़ा भी कर सकता है।